कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 अक्टूबर को वाराणसी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी शामिल होंगी। साथ ही 7 अक्टूबर से वाराणसी में कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर प्रियंका गांधी के आगमन के उपलक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वाराणसी के कांग्रेस कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने बैठक की पूरी जानकारी दी। 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली का आयोजन जो है बनारस में किया जा रहा है, जिसमें हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी उसमें शामिल होंगी। तो महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक और शहर कांग्रेस कमेटी की, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है और सभी साथियों के साथ मिलकर जो 2 अक्टूबर को हमारी जो रैली होने वाली है और 7 तारीख से प्रतिज्ञा यात्रा जो है जो बनारस से निकलेगी, तो इसकी तैयारी के संबंध में आज यहाँ पे बैठक जो है वो रखी गई। देखिए, इस बारे में आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितना किसका जनाधार था, और किसी भी व्यक्ति का जो जनाधार है वो पार्टी में रहते तक ही रहता है और एक उनके परिवार का एक इतिहास रहा है और कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को, ललितेश जी को, काफ़ी कुछ मान सम्मान बहुत सारी जिम्मेदारी जो है उनको दिया है और लोग पार्टी के विचारधारा से, संगठन से जुड़ते हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को इससे किसी भी प्रकार की जो है वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब कांग्रेस जो है अपना संगठन जो है नेताओं पे निर्भर रहने के बनिस्बत निचले स्तर पे संगठन बनाने पे अपना जोर दे रहा है और इसीलिए हमारे 1.25 लाख से ज़्यादा जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर पूरे कार्यकर्ताओं की जो है टीम को तैयार करके उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो सबसे पहले किसी भी राजनीतिक दल के होता है कि उसके पास संगठन हो, और हमारी जो असफलता का यही कारण था कि पहले हमने संगठन बनाने पे ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी जी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद उन्होंने इस बात को महसूस किया कि निचले स्तर पे हमारा संगठन होना चाहिए, इसलिए हम पूरे 8,134 हमारी जो न्याय पंचायतें हैं वहाँ पर कांग्रेस का संगठन तैयार कर लिया गया है। उसके साथ साथ जो है 58,000 हमारी जो ग्राम सभा है वहाँ की कमेटी हमारी बन जा रही है और 1.25 लाख जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को हम जो है बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है कि किस प्रकार से चुनाव में प्रबंधन किए जाते हैं। तो हमारा एक जो कैडर तैयार करने का जो काम है वो प्रियंका जी के नेतृत्व में जो है वो पूरा हो रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।